हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 19 अप्रैल 2024 को जो भी शिफ्ट हुए, दो शिफ्ट हुए, शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू, उसमें जितने भी क्वेश्चन हमें मिले फिजिक्स के, उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पीछे कैसे क्वेश्चन आए थे, आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलो बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर एनालिसिस, ठीक है। चलो तो पहला ही क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन मतलब जो हमें मिला है उसमें से। तो क्या बोल रहा है ये पहले क्वेश्चन में, रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स ईच ऑफ एरिया ए कैरिंग करंट आई। अच्छा, एक कॉइल है जिसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया ए है और वो आई करंट कैरी कर रहा है। व्हेन सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, बी मैग्नेटिक फील्ड में उसने क्या कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। अच्छा, उसको सस्पेंड करने के बाद क्या निकालने बोला है, वो जो रेक्टेंगुलर कॉइल एक्सपीरियंस है टॉर्क, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, एन आई ए बी इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूला देखा हुआ है क्या आप लोगों ने, ये फॉर्मूला देखा हुआ है, एन आई ए बी इंटू साइन थीटा। तो खत्म, यही ऑप्शन में आपको मिला है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आया है तो ये ऑप्शन में आपको फॉर्मूले ही दिए होंगे, ठीक है। एन आई बी ए साइन थीटा, ठीक है, एन आई बी ए साइन थीटा, ऐसे वो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। चलो क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्या बोला है। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत देर एनालिसिस किया मैंने, फिर समझाया कि इसे मतलब कैसे आया होगा, क्योंकि स्टूडेंट ने पूरा नहीं भेजा था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, द मिनिमम फेज डिफरेंस बिटवीन टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, दो इक्वेशन दिए हुए, वाई वन इज इक्वल टू हाफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस रूट थ्री बाय टू कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वाई टू इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, अभी क्या किया जाएगा, देखो ध्यान दो, कुछ नहीं, इसमें दो इक्वेशन मिले आपको, उसमें भी हम फेज डिफरेंस कैसे बता सकते हैं। मान लो आपको वाई वन दिया है ए वन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई वन, ठीक है, और वाई टू आपको मिला है ए टू साइन ऑफ ओमेगा टू प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू। तो आप सिंपली ये फाई वन माइनस फाई टू कर लेते हो और आपको फेज डिफरेंस मिल जाता है। बट ये इक्वेशन बहुत अलग दिख रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेंदी है थोड़ा सा, बट ठीक है, आपको उल्टा सोचने पे मजबूर करेगा कि इक्वेशन आपको ही बनाना है, फेज डिफरेंस भी आपको ही निकालना है। मतलब आपको इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्मेट में लाना है। उसने ना ब्रैकेट में क्वेश्चन के बाद ऑप्शन, मतलब ब्रैकेट में वैल्यूज दे रखे थे, देखो कितने वैल्यूज, उसने ब्रैकेट में वैल्यूज दे रखे थे कॉस पाई बाय थ्री का, साइन पाई बाय थ्री का एंड साइन 45 का, मतलब 45 डिग्री का। मुझे बताओ वाई वन इक्वेशन में ऐसे कर सकता हूं क्या, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना, हाफ मतलब कितना। अच्छा, साइन ओमेगा टी को अगर मैं पहले लिख लूं, हाफ ये वैल्यू किसका होता है, प्लस इधर क्यों ऐसा कर रहा हूं पता है, यहाँ पे हाफ रूट थ्री बाय टू, ये साइन कॉस के कोई ना कोई वैल्यूज है, ये आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इससे क्या पता चलता है, ये एक फॉर्मूला होता है ना साइन ऑफ ए प्लस बी, ये आपको यूज करना होगा, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला यूज करना होगा आपको, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो चलो देखो, साइन ए हो गया कॉस बी, अच्छा कॉस का कौन सा वैल्यू हाफ है, कॉस का कौन सा वैल्यू हाफ है, 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय थ्री, ठीक है चलेगा। देन प्लस कॉस ए, कॉस ए मतलब मैं कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं, मुझे बताना साइन का कौन सा वैल्यू रूट थ्री बाय टू है, ऑब्वियसली ये हमें 60 डिग्री ही मिलना चाहिए, है ही 60 डिग्री, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं साइन पाई बाय थ्री। कंपेयर करो मेरे भाई इसके साथ, वाई वन क्या मिलेगा, वाई वन मिलेगा साइन ऑफ ए मतलब ओमेगा टी प्लस बी मतलब पाई बाय थ्री। ये आपका एक इक्वेशन हुआ है अभी तक, पहला इक्वेशन तो बहुत इजी है निकालने के लिए। दूसरे इक्वेशन में देखो भाई, दूसरे इक्वेशन में तो सर वैल्यूज भी नहीं दिए, हाँ वैल्यूज नहीं दिए, बट उसने क्वेश्चन में आपको 45 डिग्री ऐसे कुछ दिया था, तो 45 पे ना वैल्यू सेम होता है साइन का और कॉस का। तो वाई टू जो है ना उसे मैं ए मतलब ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस पाई बाय फोर बोल दूंगा, प्लस कॉस ए, कॉस ए मतलब कॉस ओमेगा टी तो है ही, इंटू साइन बी मतलब साइन पाई बाय फोर बोल दूंगा।
क्योंकि वैल्यू सेम होता है, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला, वो 1/√2 होता है। आपको इसको √2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों? √2 कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो √2 कैंसिल कहाँ करोगे, क्योंकि वापस भी तो यही इक्वेशन आना चाहिए। क्वेश्चन ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पे बोल सकते हो आप लोग, इक्वेशन रीअरेंज करने में बस। √2 ऐसे ही रहेगा बाहर वाला, अंदर साइन ऑफ ए प्लस बी में ए मतलब ओमेगा टी और बी मतलब पाई बाय 4। बस अभी मेरा काम हुआ है, अभी ये क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ये दो इक्वेशंस दिए हुए थे, फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव जो है वो मैं बोलूंगा पाई बाय 3 माइनस ऑफ पाई बाय 4। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 4 माइनस 3 पाई, पाई बाय 12। तो फेज डिफरेंस का आपको आंसर मिलना चाहिए पाई बाय 12। ऑप्शंस में जरूर आपको पाई बाय 12 101% मिलेगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है ये, यस देन चलो बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है आगे देखो, एन आइडियल गैस गामा इक्वल्स टू 1.5 दिया। यार गामा 1.5 मतलब हमें पता है 3/2 लिखेंगे हम लोग, और ये किसके लिए होता है, कौन से गैस के लिए होता है 3/2? इज एक्सपांडेड एडियाबेटिकली, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपांडेड टू रिड्यूस द आरएमएस स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? 2 times, मतलब इसको एक्सपांड करना पड़ेगा एडियाबेटिकली, एडियाबेटिकली एक्सपांड करना पड़ेगा। अच्छा आरएमएस स्पीड कितने से बढ़ाना है, पहले मान लो वी आरएमएस इतना ही था, रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 times, ठीक है। हाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रिड्यूस करना है 2 times, मतलब क्या वी आरएमएस बाय 2 times रिड्यूस करना, मतलब हाफ करना। अच्छा ये फर्स्ट ये सेकेंड, अच्छा तो कितनी टाइम्स उसे एक्सपांड करना पड़ेगा, एक्सपांड मतलब वॉल्यूम पूछा है, V2 इन टर्म्स ऑफ V1 कितने टाइम्स? यार तो आपको RMS से क्या मिलेगा, VRMS हमें पता है VRMS इज इक्वल्स टू होता है √3RT/m। तो यहां से मुझे पता है VRMS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T को। अच्छा तो यहां पे VRMS 1/VRMS 2 ले लूं, इज इक्वल्स टू हो जाएगा √T1/T2। VRMS 1 कितना है, VRMS 1 तो VRMS ही है सर, VRMS 2 बट उसके हाफ है, हाँ हाफ है, यहाँ पे रूट में है T1/T2। VRMS कैंसल, 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा √T1/T2 इज इक्वल्स टू 2। इसको स्क्वेयरिंग कर दो तो ये आपको मिलेगा 4। सो आपको T1 मिला 4T2। अच्छा यहाँ तक क्वेश्चन आके रुकता नहीं है, एडियाबेटिक प्रोसेस बोला है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो टीवी का रिलेशन होता है वो कितनी बार यूज किया है हम लोगों ने, देखो कितनी बार यूज किया है ये रिलेशन हमने, T1 V1 raised to gamma minus 1 = T2 V2 raised to gamma minus 1। अच्छा T1 को T1 ही रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा T1 को 4T2 पुट कर सकते हैं हम लोग, T1 को हम लोग 4T2 पुट कर देंगे, ठीक है T1 को 4T2 पुट कर देंगे, V1 raised to gamma मतलब 3/2 minus 1, ठीक है T2 को T2 ही रखेंगे, ये हो जाएगा V2 3/2 minus 1, T2 कैंसिल, आपको V2 चाहिए इन टर्म्स ऑफ V1, तो मैं V1/V2 ये V1 इधर भेज दो तो 3/2 minus 1 हाफ हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 4, तो आपको V2/V1 रूट ले लेना, ये इधर स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग, क्योंकि ये क्या ये रूट है ना, रूट है तो स्क्वेयरिंग कर दो तो ये हो जाएगा 16, तो आपको V2 मिलेगा 16V1। इसका मतलब कितने टाइम्स एक्सपांड करना पड़ेगा, 16 times एक्सपांड करने का। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, मॉडरेट लेवल पर बोल सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है ये क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल पे आया हुआ है, ठीक है। चलो बड़े आगे अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी देखो अ न्यूक्लियस रप्चर्स इनटू 2 nuclear parts, एक न्यूक्लियस है रप्चर हो रहा है मतलब ब्रेक हो रहा है 2 parts में, विच हैव देयर वेलोसिटी इन द रेशियो इक्वल टू 2:1, 2 part में, तो दोनों पार्ट का वेलोसिटी क्या है, V1:V2 आपको 2/1 बोला है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज, साइज का रेशियो मतलब क्या, न्यूक्लियस कैसे होता है स्पेरिकल होता है और उसका साइज डिफाइन करना मतलब रेडियस बताना। अच्छा रेशियो ऑफ देयर साइज मतलब R1/R2 चाहिए आपको, वेलोसिटी का और आर का रिलेशन आएगा कहां से, वेलोसिटी का और आर का रिलेशन आएगा कहां से, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद ये क्वेश्चन सिर्फ आपको लगता होगा न्यूक्लियर वाले पार्ट से सॉल्व होगा, तो नहीं, न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगता है क्या, नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट जब भी नहीं होता है बॉडी पे
तब क्या होता है, तब मोमेंटम कंजर्व होता है। ये कहाँ होता है सर? ये लॉज ऑफ मोशन में होता है। मतलब अभी दो चैप्टर मिक्स होकर भी क्वेश्चन आने लगे हैं। मोमेंटम कंजर्व होता है, मतलब मैं बोल दूंगा पी आई इज इक्वल टू पी एफ। पी आई इज इक्वल टू पी एफ का मतलब एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। ठीक है, ये क्लियर हुआ? पी आई इक्वल टू पी एफ मतलब एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू। यार हमारे पास वी वन वी टू है। हाँ वी वन वी टू है, वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम टू बाई एम वन। लेकिन सर ये वी वन बाई वी टू पता रह के क्या फायदा, हमें एम टू बाई एम वन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन एक चीज है, मास और वॉल्यूम का रिलेशन पता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है 4/3 πr³। देखो मतलब इतना डेप्थ में जा रहे हैं, अभी इतना डेप्थ में जाना पड़ रहा है कि वॉल्यूम ये हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³। हाँ अभी आया क्योंकि मुझे r1/r2 ही निकालना था, तो मास m2 की जगह लिख सकता हूँ r², इसे लिख सकता हूँ r³। अच्छा पहले तो उल्टा कर दो उस रेशो को, r³/r²³ कर दो, क्योंकि कैसे रेशो पूछा है, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइज। ओके न्यूक्लियर साइज और न्यूक्लियर रेडियस भी बोला है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2। क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट r₁/r₂ इज इक्वल टू मिलेगा 1^(1/3) डिवाइडेड बाय 2^(1/3)। अच्छा ऑप्शन 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 मिल रहा है 1^(1/3) मतलब 1 ही होगा, 2^(1/3) क्यूब रूट 1/2^(1/3) ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। चलो क्लियर है, क्लियर होगा तो बस थम्स अप करो, वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से। आपको क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ रहे, न्यूक्लियाई पे क्वेश्चन आया, बट सिर्फ न्यूक्लियाई पे नहीं आया, मिक्स होके आ गया। देन ये क्वेश्चन भी आया, तो इसमें दो फॉर्मूले यूज हो गए, एक वीआरएमएस का यूज हुआ केटीजी वाला, और ये रिलेशन यूज हुआ थर्मो वाला। देन ये भी आया, ये आया तो ये बेसिक मैथ्स बता रहा है, आपको क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि ये उल्टा पूछ रहा है, उल्टा इक्वेशन भी आप बनाओ और फेज डिफरेंस भी आप ही बताओ। ये इजी था, ये फॉर्मूला बेस्ड था। चलो आगे अभी और क्वेश्चन से, इन अ गुड कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्टर बैंड कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये 11 सेमीकंडक्टर से एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जो पढ़ के टिक हो जाएगा। कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी गैप होता ही नहीं है भाई, होता ही नहीं है तो जीरो, खत्म, होता ही नहीं है तो जीरो। देन आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, क्या बोला है, अ स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। 11th का मोशन इन प्लेन चैप्टर से क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप टू रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 4h/5 विल बी। मतलब एक स्टोन है, एक स्टोन वर्टिकली अप प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, वो रीच करेगा हाइट h तक। मुझे बताओ जब भी स्टोन को या किसी भी चीज को फेंको तो क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड होता है। मतलब अगर इस पॉइंट को 1 बोल दूं और इसको 2 अगर मैं बोल दूं, तो टोटल एनर्जी 1 पर जो रहेगी वही टोटल एनर्जी है 2 पर भी रहेगी आपकी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब स्टोन को ऊपर फेंकोगे, ऐसे स्टोन को ऊपर फेंकोगे तो टॉप पॉइंट पे जब h पे जाएगा ना, तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0, तो सर एनर्जी नहीं रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना, तो टोटल एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, विच इज mgh। तो इसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना पड़ेगा, टोटल एनर्जी 1 और 2 पे सेम रहेगी, जो कि रहेगी mgh। अच्छा अभी उसने किसका रेशो पूछा है, उसने रेशो पूछा है काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी का, कितने हाइट पे, जब वो 4h/5 पे जाएगा, जब वो 4h/5 पे जाएगा। मुझे बताओ, मान लो ये 4h/5 पे चला गया, 4h/5 पे जब जाएगा तो इस पॉइंट पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा mg इंटू 4h/5। कैसे पता चला सर? अरे जितने हाइट पे जाएगा mgh, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी इतना रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, टोटल में से पोटेंशियल माइनस कर दो तो वो काइनेटिक ही बचता है। तो ये mgh माइनस 4mgh / 5,
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा यहाँ पर mgh डिवाइडेड बाय 5। तो ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, इनका रेशियो ले लो इज इक्वल्स टू mg इंटू 4h बाय 5। mg कैंसिल, h कैंसिल, 5 कैंसिल, ये 4 बचा, आपको आंसर मिला 1/4। 1/4 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर सी 1:4। ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन भी इजी था, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको इस क्वेश्चन में। चलो बड़े आगे, चलो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखते हैं अभी। A liquid drop of diameter d breaks into 64 tiny drops। मतलब एक लिक्विड का ड्रॉप था जिसका डायमीटर कितना था, कैपिटल डी था, ये ब्रेक हो गया कितने ड्रॉप्स में, ऐसे छोटे छोटे 64 ड्रॉप्स में ब्रेक हो गया। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज सिग्मा, अच्छा सरफेस टेंशन कितना बोला, सिग्मा, व्हाट इज द चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी होता क्या है, सरफेस एनर्जी का रिलेशन याद होना चाहिए, टी इंटू डी ए। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी डेल्टा ए सी इज इक्वल टू होता है टी इंटू डेल्टा ए। टी तो सिग्मा बोल रहा है, डेल्टा ए मतलब क्या, चेंज इन सरफेस एरिया। ये चेंज इन सरफेस एरिया मतलब क्या, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। तो ये निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकालेंगे, मान लो इसका डायमीटर कितना, कैपिटल डी था, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर स्मॉल डी हो जाएगा, बराबर है ना, इसका कैपिटल डी तो इसका स्मॉल डी हो जाएगा। चलो मान लो रेडियस के टर्म्स में देखते हैं, ये कैपिटल आर होगा तो इनका रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा। तो पहले और लास्ट में, इनिशियली और फाइनली वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, कितने भी ड्रॉप्स में ब्रेक कर दो। तो इनिशियली वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब और फाइनली वॉल्यूम कितने ड्रॉप्स, 64 ड्रॉप्स इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू आपको मिला 64 इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो आपको आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन मिला, क्यूब रूट ले लो। क्यूब रूट लेने से क्या मिलेगा, क्यूब रूट लेने से ये क्यूब रूट मिलेगा 4 का, कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा 4 स्मॉल आर, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अभी यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, बट ऑप्शंस मुझे कंफर्म हो कि ये कैपिटल डी के टर्म्स में ही होंगे। तो इसका मतलब है सिंपली डेल्टा ए जो निकालना है ना आपको, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, तो एरिया फाइनल होगा 4πr² और इसको 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4πr² इसको 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको माइनस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा 64 इंटू 4πr² ये फाइनल है ना, ब्रेक हुआ, इनिशियल कितना था 4πR², अच्छा स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म्स में लिख सकते हैं, स्मॉल आर इक्वल्स टू r/4, ठीक है। क्यों कैपिटल आर, क्योंकि ये कैपिटल आर जहां भी आएगा ना उसे मैं लिख दूंगा कैपिटल डी बाय 2, बस खत्म। देखो 64 ये 4πR² क्या क्या कॉमन आएगा, 64 इंटू 4 इंटू पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर ये आर स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा स्मॉल आर के जगह माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस 16 माइनस 64 इंटू 4 इंटू पाई इंटू ये हो जाएगा 16 माइनस 15 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, 16 वन जा 16, 16 फोर जा 64, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 15 ऐसे आएगा आपका आंसर, 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 पाई आर स्क्वायर, ये क्या मिला आपको, डेल्टा ए मिला। तो चलो सरफेस एनर्जी में कितना चेंज हुआ, सिग्मा, अच्छा माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस नहीं है होता है ऑप्शन में, चेंज चाहिए मुझे बस कितना चेंज हो रहा है। तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए कितना है, डेल्टा ए 16 इंटू 15 पाई आर स्क्वायर, अच्छा इतने में नहीं होगा, सिग्मा इंटू 16 इंटू 15 इंटू पाई, मुझे पता है आर के जगह क्या पुट करना है, डी बाय 2, डी बाय 2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाय 4, 4 वन जा 4, 4 फोर जा 16, तो ये हो जाएगा 15 फोर जा 60 सिग्मा पाई डी स्क्वायर, 60 सिग्मा पाई डी स्क्वायर। अभी ऑप्शंस क्या थे ये मुझे नहीं पता है ऑप्शंस क्या थे, बट आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी ये क्वेश्चन जैसे स्टूडेंट ने भेजा वैसे ही फोटो डाला है, नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे कैसे ले रहे हैं, अभी उसने क्या फाइंड करना है वो नहीं बोला है। देखो इन द गिवन लॉजिक गेट ए बी सी आर इनपुट्स एंड वाई इज आउटपुट, अभी जिस तरह से डायग्राम मुझे दिख रहा है मुझे लग रहा है ये ए और बी तो क्लियरली दिख रहा है कि ये नांड गेट है, ठीक है। देन सी का जो इनपुट है ना ये सीधा इसके अंदर जा रहा है आगे,
जो कि और गेट दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है वाई। अभी उसने ए बी सी दिया है, अभी इसमें आउटपुट ऑफ वाई पूछा है, वाई का आउटपुट क्या होगा। जब तक लॉजिक गेट में ऑप्शंस ना देना हम लोग नहीं बता सकते कैसा है, बट फिर भी क्वेश्चन एनालिसिस बताता है कि ये नांड गेट आया हुआ था। नांड गेट में आपको ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए। देन ये सिंपल और गेट है, यहाँ पे नांड गेट मतलब ये कितना आ जाएगा, एंड मतलब ए डॉट बी होता है, ये बार जाएगा उसका और ये सी जाएगा यहाँ पे। तो ये आपको फाइनल अगर आंसर चाहिए तो ए बार डॉट बी प्लस सी ऐसे होगा। और इसको अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करके ए बार प्लस बी बार प्लस सी ये भी हो सकता है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा आपका कंफर्म। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब प्रेडिक्टेड सॉल्यूशन है कि ये ऐसे होगा, आपको ऑप्शंस नहीं मिले थे हमें इसलिए ऐसे बताया है। आगे बढ़ते हैं, द आउटपुट ऑफ वाई ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट। अच्छा देखो, आउटपुट ये ए इनपुट था, ए इनपुट के सामने तुरंत नॉट गेट लगा दिया है। अच्छा ठीक है सर, बी इनपुट और इसमें है एंड गेट, और ये है आपका सी इनपुट में भी एक नॉट गेट लगा दिया गया है। सी इनपुट में भी आपका एक नॉट गेट लगा दिया गया है, ठीक है। देन ये आगे जा रहा है, ये आगे जाते ही ये और गेट को कनेक्ट हो रहा है, नॉर गेट है ये, और ये आउटपुट वाई। अच्छा इसमें भी वही पूछा है, वो आउटपुट वाई क्या होगा। देखो अगर ये ए है तो ये इधर जाएगा ए बार, ये बी है ये सी है तो इधर सी बार जाएगा, ये बी जाएगा, ये एंड गेट है, एंड गेट है तो ये आपको मिलेगा बी डॉट सी का बार, तो ये आगे नॉर गेट लगा है, तो ए बार नॉर गेट मतलब प्लस बी डॉट सी बार का पूरा बार। तो आपको ऑप्शन में यदि ये मिलेगा, या तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करके आपको ये मिल सकता है बी डॉट सी बार। अच्छा ये भी हो सकता है लेकिन इसके पॉसिबिलिटी कम है, ए बार का बार मतलब ए होता है, ये डॉट यहाँ पे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन यूज करो तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बार का बार, और ये या और सिंप्लीफाई करने पे हो जाएगा बी बार प्लस सी। तो मुझे लगता है ये आपको ऑप्शन में मिलेगा 100%, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो चलो इससे क्या पता लगता है, क्वेश्चन थोड़े से अच्छे आए थे, जो क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं इनमें सारे क्वेश्चंस ये अच्छे आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस में देखो पहले ये फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है, क्वेश्चंस भले ही 10-12 कुछ क्वेश्चंस आए थे बट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थे बच्चों ने बताया बट याद नहीं आ रहे थे उनको, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इजी थे। ये देखो ये पढ़ते ही टिक करने जैसा क्वेश्चन था, ठीक है। देन ये लॉजिक गेट कितना इंपॉर्टेंट होता है ये मैराथन सेशंस में बताया था, लेक्चर्स में भी बताया बैच वाले बच्चों को। तो लॉजिक गेट वापस हर शिफ्ट में लॉजिक गेट का इंपॉर्टेंस आपको पता चल रहा है, तो लॉजिक गेट अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन अच्छे थे मतलब सिर्फ ट्रूथ टेबल पे से सीमित नहीं रखना है, आगे भी थोड़ा सा अलग अलग इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाए वो भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। देन ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बेसिक सा, बहुत बेसिक से थोड़ा सा इजी लेवल का ही क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। देन हाँ ये क्वेश्चन एक अच्छा था जिसमें आपको न्यूक्लियस में मोमेंटम कंजर्व होता है, ये कैसे पता चलता है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में, अंदर से ही फोर्स लग रहा होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व यूज करके फिर आपको R1 R2 का रेशियो मिल गया। तो चलो ये था आपके लिए शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन हमें मिले थे उसका एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को बस लाइक करना, शेयर करना जाते जाते वीडियो को अपने दोस्तों तक जिनका पेपर बाकी है, ताकि उनको हेल्प हो सके कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। चलो थैंक यू एवरीवन।